हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और रेसिपी गुरु पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हेल्थ और टेस्ट का एक अमेजिंग ब्लेंड, वो भी क्रंच और मंच के साथ। सो लेट्स मेक हनी ऑट मिल्क कुकीज़। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। हनी ऑट मिल्क कुकीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, ओट्स, चीनी, चोको चिप्स, घी, ड्राइड ब्लैक रेजिन्स, हनी, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर। कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 3/4 कप घी डालेंगे और इसमें हम 1/2 कप चीनी डालेंगे। अब इनको हम बीटर से अच्छी तरह से क्रीमी कर लेते हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी इसे अच्छे से क्रीमी कर सकते हो। मेरी जो चोको चिप्स कुकीज़ की वीडियो है उसमें मैंने हाथ से ही घी और चीनी को क्रीमी बनाया है। ऊपर इन्फो बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट है उसको हम इसमें डालते हैं। उसके लिए हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक। और अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ओट्स, 1/4 कप चोको चिप्स, 1 बड़ी चम्मच ड्राइड ब्लैक रेजिन, ये बच्चों के फेवरेट होते हैं और थोड़ा सा फ्रूट एंड नट वाला टेस्ट भी मिल जाता है। और लास्ट में हम डालेंगे 1/4 कप हनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओट्स और हनी बहुत ही हेल्दी होता है पर ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होता, तो हम ये कुकीज़ बनाकर इसे आसानी से खिला सकते हैं। तो ये हमारा कुकी मिक्सचर तैयार है। अब हम लेंगे ये बेकिंग ट्रे और डो को ऐसे कुकीज़ के शेप में बनाकर रख देते हैं। अब हम इसे ओवन में बेक करते हैं, जिसे मैंने पहले से ही 180 डिग्री पर 10 मिनट तक प्रीहीट कर लिया है। और इसे हम बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। बीस मिनट बाद ये कुकीज अच्छे से बेक हो गए हैं। वाओ, क्या खुशबू आ रही है। और ये इतने हेल्दी है कि ऐसी कुकीज़ तो बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं। तो देखा कितना आसान है ये क्रंची मंची कुकीज़ को बनाना। इसको आप एक जार में डालिए और अपने डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए। फिर देखो, एक दिन भी नहीं टिकेगा। तो आप भी ये ट्राई करके देखिए और अपने अनुभव नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।